मेरी तरफ से सभी मेरे चाहने वाले को और भोजपुरी सारे समाज को हैप्पी 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 दिवाली। अच्छा रितेश जी, आप 5 फिल्में अनाउंस किए थे, आप साथ आपने शूटिंग भी कर ली है, कुछ बताना चाहेंगे कौन-कौन सी फिल्में हैं और शूटिंग कौन-कौन सी फिल्मों की हो चुकी है? 5 फिल्म एक साथ मैंने किया, अभी शूटिंग हम लोग 1 महीना पहले करके आए छत्तीसगढ़ में। पहली फिल्म थी एक शमा दो परवाने, दूसरी फिल्म थी मिली तो मिली ना तो जय सियाराम, तीसरी लेमन चूस, चौथी थी दे दनादन और 5वीं थी राजस्थानी फिल्म छोरी नंबर 1। तो पांचों की शूटिंग हो चुकी है? पांचों की शूटिंग पूरी हो चुकी है, 5ों फिल्म की एडिट हो चुकी है, डबिंग पे है। एक शमा दो परवाने में प्रमोद प्रेमी पूनम दुबे हैं, मिली तो मिली ना तो जय सियाराम में ऋषभ कश्यप गोलू और नेहा श्री, पूनम दुबे मोहिनी घोष। उसके बाद लेमन चूस में अभय लाल यादव सिंगर है, नेहा श्री है, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है। उसके बाद दे दनादन में लगभग 25 हैं स्टार कास्ट, जो जितने सारे फिल्मों में थे सब उसमें हैं। और एक छोरी नंबर 1 है जिसमें नेहा श्री जी हैं और लोकेश और क्षितिज कुमार। अच्छा आपकी फिल्म राधे का भी ट्रेलर हाल ही में आया था जिसको काफ़ी पसंद किया गया है, उसकी क्या प्लानिंग है, कब तक रिलीज की प्लानिंग? राधे की प्लानिंग है जनवरी में हम लोग रिलीज करेंगे सरस्वती पूजा या गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। 2019 में राधे का पंचम लहराएगा। राधे में हाथी है, जैसे कि फिल्म में हाथी पे ही पूरी फिल्म अगर देखा जाए तो बेस्ड है, तो हाथी को लेने का विचार कैसे आया था फिल्म में? मुझे जानवरों से प्यार है और हमको जानवरों का ही डायरेक्टर बोलते हैं तो कि हर फिल्म में जानवर रख देते हैं, तो जानवर से प्यार है और पब्लिक जानवरों को पसंद करती है। मेरे को जानवर को लेकर फिल्म बनाने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बराबर सांप हाथी बाज अभी बंदर को लेकर किया। बंदर बंदरिया है मिली तो मिली ना तो जय सियाराम में, हीरोइन के पास बंदर है जिसका नाम सलमान है, हीरो के पास बंदरिया है जिसका नाम कैटरीना है। दोनों में बहुत प्यार है लेकिन दोनों हीरो हीरोइन में 36 का आंकड़ा है। बहुत अच्छी कहानी है, फुल एंटरटेनमेंट। टीजर भी आ चुका है, टीजर आया है, मैंने दिखाया है, कम कद वालों को भी दिखाया गया है। हाँ उसमें छोटे छोटे हैं, जबकि लेमन चू से कहानी जो फिल्म किया मैंने उसमें कहानी अजब है, एक मूर्ति की कहानी है और उसमें 25 छोटे छोटे बौने हैं, लड़के लड़कियाँ, और उसमें फीमेल ओरिएंटेड है, नेहा जी सोलो हीरोइन है और 25 बौने हैं, बौने ही प्यार करते हैं। हाँ जी, अलग तरीके की कहानी है। अच्छा बौनों को जैसे भोजपुरी में बनी है वैसे हिंदी में भी शाहरुख जी लेकर आ रहे हैं जीरो, जिसमें बौने बने हुए हैं, ट्रेलर आया है देखा? हाँ बहुत अच्छा है और बहुत पसंद आया, बहुत दिनों बाद अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिलती है जिसमें जीरो भी बहुत अच्छी फिल्म है शाहरुख जी की, और अच्छी लगी, ट्रेलर बहुत अच्छा है। अच्छा रितेश जी, और क्या प्लानिंग है आगे, अभी फिल्मों के अलावा और भी आप शायद एल्बम्स भी करने वाले थे, उसकी क्या प्लानिंग? मैं सब सिंगरों को लेके एल्बम्स कर ही रहा हूँ झंकार बीट्स चैनल के लिए। सारे सिंगर्स अलग अलग हैं जो मेरे कंपनी के लिए गा रहे हैं और मैं एल्बम्स कर रहा हूँ, तो एल्बम्स के लाइन में भी अच्छी चीज़ है। एक वेब सीरीज़ भी चल रही है अपनी, जो संदीप को मेरा जो असिस्टेंट है वो डायरेक्ट कर रहा है, तो वेब सीरीज़ भी चल रही है।